हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हों या आईसीएसई बोर्ड में हों, ये सारे बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली जेई एग्ज़ाम में भी है और बिटसेट एग्ज़ाम में भी है। जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, सब में ये बहुत मायने रखता है। तो बच्चों, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज, दैट इज 13.4 एनसीईआरटी में आइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके पहले 3.3 भी था, हम लोगों ने पूरा अच्छे से सॉल्व किया उसे। लेकिन अभी भी कोई डाउट अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा जो हमने पहले कर लिया, आप पूछ सकते हो एनी टाइम, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखते हैं कैसे कैसे इक्वेशंस हमारे को सीखने को मिलता है। तो बच्चों, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हमारे को मिलने वाला है, वो आप उसको थ्योरम भी लिख सकते हो, थ्योरम वन, उसको हम बोलेंगे थ्योरम वन। ठीक है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि साइन किस किस नंबर पे जीरो होता है, किस किस एंगल पे जीरो होता है, आपको मालूम होनी चाहिए। कॉस कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। हम लोगों ने पहले देखा था कि साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, वेर एन क्या है, इंटीजर्स हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, कोई भी नंबर हो सकता है। कॉस के लिए हम लोगों ने देखा था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये हमेशा जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, कॉस इवन पाई हमेशा वन होता है, ठीक है ना, कॉस ऑड पाई हमेशा माइनस वन होता है। ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि हम इजीली अभी जो करने वाले हैं थ्योरम, वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम ये कहता है हमारे पास, पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो हम लोग एक्स क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस वन पे वाई इंटू एन। ये है आपका सॉल्यूशन। अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, इसी को मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने किए थे, दिमाग में रखना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे साइन एक्स माइनस ऑफ साइन वाई का, याद है आपको, साइन एक्स और साइन वाई का। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमारे को मालूम होने चाहिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, जो हम लोगों ने पहले किया हुआ एक्सरसाइज 3.3 में। नहीं याद है तो याद कर लो बच्चों, ये फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, साइन एक्स माइनस साइन वाई। जब दो साइन हो बीच में माइनस हो तो पहले टू आएगा, टू तो देखो सब में आएगा, पहले कॉस आएगा एक्स प्लस वाई के साथ, फिर साइन आएगा एक्स माइनस वाई के साथ। ठीक है ना, ये अपॉन में। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या लिखेंगे, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चा जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने अभी अभी, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है ना, याद है, इन टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। साइन एक्स को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, आपको मिलेगा साइन एक्स माइनस ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इन टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो। अब यहां से दो चीजें निकल के आएंगी आपके लिए कि कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोडक्ट जीरो है ना, प्रोडक्ट जीरो है, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस कब कब जीरो होता है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस कब जीरो होता है, जब कॉस के पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, यानी कि कॉस पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन। इसको मैं जनरल लिखूं, इस एंगल के अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऑड ऑड पाई बाई टू, राइट। ये जो कॉस के पास एंगल है कितना होना चाहिए, ऑड पाई बाई टू होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो और नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n-1 लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं ना और नंबर। तो 2 और 2 गया तो मुझे क्या मिला, x plus y is equal to 2n-1 into pi, और we can say x is equal to 2n-1 pi into y, ठीक है ना, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसको भी आगे ले जाते हैं, साइन कब कब जीरो होता है, जब हमारे पास एंगल हो n pi, साइन n pi जीरो होता है ना, यानी कि पूरा एंगल n pi होनी चाहिए, ठीक, n या कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड भी या इवन भी, साइन, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n pi, ठीक है, ध्यान देना नंबर्स पे। सो x इज इक्वल टू 2n pi प्लस वाई, x इज इक्वल टू 2n माइनस, ये ऑड नंबर का पाई है, ये इवन वाला पाई है, ठीक है, ऑड और इवन दोनों के लिए सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, ऑड के साथ, ये ऑड के साथ है ना, ये तो ऑड नंबर है, ऑड के साथ देखो माइनस साइन आ रहा है, इवन इवन के साथ अगर करते हैं तो प्लस साइन आ रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन को अगर कंबाइन कर दें, ध्यान से देखो बच्चों, ऑड के साथ नेगेटिव, इवन के साथ पॉजिटिव, तो दोनों सॉल्यूशन को अगर कंबाइन करें तो मुझे क्या मिलेगा, कंबाइन सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू, देखो इवन और ऑड दोनों को कंबाइन करेंगे पूरा नंबर आपको नंबर लाइन पे मिलेगा, भाई इवन और ऑड से तो सारे नंबर्स बने हैं। तो आप यहां लिख सकते हो एन पाई, एन कैन बी इवन, एन कैन बी ऑड, कोई भी नंबर के लिए वैलिड हो गया ये तो, ठीक है, प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू वाई, अगर एन आप ऑड रखोगे तो आपको ये वाला सही सॉल्यूशन मिलेगा, एन को आप इवन रखोगे तो ये मिलेगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सपोज एन को आप जीरो रखना चाहते हो तो आप ले सकते हो जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, एन जीरो, एन जीरो, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये सॉल्यूशन मिल गया आपको। अगर एन वन रखते हो तो क्या होता है, एन अगर वन रखते हो तो क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई, ठीक है ना, वो इस वाले सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, एन वन डालो तो पाई माइनस वाई, एन टू डाल के देख लेते हैं, एन इज इक्वल टू टू, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू टू पाई प्लस वाई, ठीक है, टू पाई प्लस वाई, तो ये हो गया, ठीक है, इवन इवन के साथ पॉजिटिव पाई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको आपको पाई माइनस वाई मिल रहा है, ऑड ऑड के साथ माइनस वाई आ रहा है, इवन के साथ प्लस आ रहा है, फिर से आप एन इक्वल थ्री डाल के आप चेक कर सकते हो, एन इक्वल थ्री डाल तो आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री पाई माइनस वाई। तो जहां जहां आपको ऑड नंबर मिल रहा है वहां वहां माइनस वाई मिल रहा है, और जहां इवन है वहां पॉजिटिव मिलेगा, आप इसको 4, 5, 6 के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि ये सॉल्यूशन आपको याद अगर है दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है, क्वेश्चन इस पे आएंगे डायरेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि किसी भी बोर्ड में ये आपको ना डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ ताकि पूरा यहाँ फिट हो जाए, आप इसको याद करके भी काम कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था थ्योरम नंबर 1, अभी करेंगे थ्योरम नंबर 2, बिल्कुल अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, डाउट होने पर कमेंट भी करना है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर टू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप पेन पेपर के साथ देखो, पूरा नोट करो। थ्योरम टू में हमें दिया गया है कि इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, अगर ऐसा है तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 2n pi plus minus y, ये सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको फिर से फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले में, cos x minus cos y के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा ये वाला चीज, cos x minus cos y minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, जब दो कॉस है बीच में माइनस हो तो दोनों साइन फंक्शन मिलेंगे आपको, और ये माइनस टू के साथ मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो अप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो इसको आप ले आओ लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपको मिल जाएगा कॉस एक्स
माइनस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बढ़िया। अब यहां से और यहां से आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, दो चीजें मिलेंगी। साइन जीरो कब कब होता है मालूम है हमारे को, एन पाई पे। तो एक्स प्लस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू एन पाई, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई, सो एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस वाई। ठीक है, साइन यहां भी जीरो है। देखो ये हमारे पास दोनों फंक्शन साइन थे, ये मिल गया। यहाँ इसके अकॉर्डिंग भी वही होगा, साइन यहाँ भी जीरो है तो आपको एन पाई लिखना पड़ेगा। साइन एन पाई यानी जीरो होता है हमेशा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एन पाई होनी ही चाहिए। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई, सो एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई हो गया। ये यहाँ क्या था, टू एन पाई माइनस वाई है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है ना, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आ गया ये सॉल्यूशन। यानी कि जहां भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिले तो ये होगा उसका सॉल्यूशन। इसको याद कर लो बच्चों बहुत ध्यान से, क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट। थ्योरम थ्री करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, तो बने रहो और नोट डाउन करते रहो। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम नंबर टू हो गया, आगे करते हैं थ्योरम नंबर थ्री। तो टाइम के लिए हमने साइन के लिए कर लिया, कॉस के लिए कर लिया। साइन अपॉन कॉस करते डिवाइड करते हैं तो टैन ही तो मिलता है। अब करेंगे हम लोग टैन के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। थ्योरम थ्री, थ्योरम थ्री, इफ टैन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई अगर है तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, देखें चेक करके ये मिलता है या नहीं मिलता है, चेक कर लेते हैं। इसको आप लेफ्ट साइड की ओर ले आओ, जस्ट ब्रिंग इट टू द लेफ्ट, तो आपको मिलेगा टैन एक्स माइनस टैन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टैन एक्स माइनस टैन वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको आप ओपन कर दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो आप, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा आपको। अब देखो ये पूरा टर्म तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला याद है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, ये होता है। बस इसी फॉर्मूले को आपको यहां पे अप्लाई कर देनी है, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा टर्म तो इधर जाके जीरो हो गया और इसकी जगह आपने वो फॉर्मूला लगा दिया। तो अगर नहीं याद है तो फॉर्मूले को आप नोट कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार मिलने वाले हैं। और इसकी जगह आपने फॉर्मूला लगा के ये बना लिया, साइन यहाँ पे जीरो आ गया। साइन कब जीरो होता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई पे जीरो होता है। एक्स क्या मिलेगा, एन पाई प्लस वाई मिल गया, यही तो प्रूफ करना था हमारे को। ठीक है बच्चों, तो जहां भी टैन एक्स टैन वाई आता है आप ये फाइंड करके ये सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जहां पे एन इन्वॉल्व है, एन कैन बी जीरो वन टू थ्री कोई भी। तो तीनों थ्योरम कर लिए, अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। स्टार्ट करें, पहले नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, फर्स्ट वन प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आप देख लो। जनरल जहां पर n इन्वॉल्व हो, प्रिंसिपल जहां पे सबसे छोटी वैल्यू हो एंगल की, जो आंसर हमारा बनता है सबसे छोटे एंगल के साथ जो बनेगा
उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको क्वाड्रेंट तो आपको याद होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ भी काम होंगे। क्वाड्रेंट का यूज हमेशा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन कहाँ पॉजिटिव है कौन कहाँ नेगेटिव है आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं टैन एक्स हो गया रूट थ्री, टैन एक्स हो गया रूट थ्री, ठीक। तो यह पॉजिटिव रूट थ्री है, तो सीधा सीधा हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, राइट, दिस इज द वे टू टेक द एंगल थीटा। ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, ये होता है माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा भी होता है और टू पाई माइनस थीटा भी होता है, ठीक है। तो टैन यहाँ पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, उन्हें सिर्फ थीटा फाइंड करनी है, दैट्स इट। तो क्लास टेंथ में हम लोगों ने पढ़ाई है ना, टैन किसके लिए रूट थ्री देता है, जब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री या फिर पाई बाई थ्री। तो ये जो आपको आया टैन 60 डिग्री इक्वल टू रूट रूट बाई थ्री, ये जो एंगल आया पाई बाई थ्री, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर टैन तो यहाँ भी पॉजिटिव है, राइट, ये एंगल घुमा के यहाँ तक पहुँच जाए तो पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई थ्री यानी फोर पाई बाई थ्री, यानी कि टैन यहाँ भी पॉजिटिव होता है यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो दो सॉल्यूशन हुए इसके, तो एक तो टैन थीटा वाला एक टैन पाई प्लस थीटा हो गया। लेकिन जब प्रिंसिपल की बात होती है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल दोनों में देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन है, फोर पाई बाई थ्री थोड़ा बड़ा एंगल हो गया, पाई बाई थ्री छोटा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया मुझे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिल गया तो आपको यहाँ तक आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन छोटा एंगल वाला, ठीक है। अब फाइंड कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन वाला, टैन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है आपके पास, टैन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है, रूट थ्री को मैं टैन पाई बाई थ्री भी लिख सकता हूं, राइट, टैन पाई बाई थ्री, तो यही वाला इक्वेशन हो गया वो, तो टैन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई, इस केस में क्या लिखते थे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यही लिखते थे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है ना, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्स, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, जहां पर एन इन्वॉल्व है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। सेक के लिए काम कर लेते हैं, सेक इज इक्वल टू टू, सेकेंड इक्वेशन, सेक इज इक्वल टू टू, सेक में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको कॉस बना लो, अगर आपको लगता है सेक में कहां से आ गया तो आप इसको कॉस बना लो, सेक एक्स टू है, यानी कि सेक को मैं लिख सकता हूं वन बाय कॉस एक्स, ये भी क्लास टेंथ का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। तो कॉस एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल गया वन बाय टू, ठीक। तो कॉस वन बाय टू कब देता है, जब एक्स हो जाए 60 डिग्री या फिर पाई बाय थ्री, हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंगल में सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, हो गया। अब आप फाइंड करोगे जनरल सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो आप क्या लिखोगे, कॉस 60 डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये भी हमने किया था थ्योरम टू वाला, उसी को हमने सीधा अप्लाई कर दिया, फिर आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। थर्ड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो इसको आप लिखते जाओ, इजी है बहुत, एक एक लाइन का आंसर है ना, इजी है। थर्ड वाला cot x है माइनस रूट थ्री, cot x क्या है माइनस रूट थ्री है, तो tan x क्या मिलेगा माइनस वन बाय रूट थ्री मिलेगा, ठीक है। tan माइनस, tan माइनस कहाँ कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसे जाएंगे तो ये एंगल मिल गया, यानी कि पाई माइनस थीटा आपको फाइंड करनी है, दिस वे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो पाई माइनस थीटा आपको फाइंड करनी है, यानी कि उसके लिए आपको थीटा फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो पाई माइनस थीटा करोगे। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टैन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, लेट टैन एक्स पॉजिटिव वन बाय रूट थ्री, क्या आपने एज्यूम किया लेट, तो यहां से क्या आएगी एक्स की वैल्यू, टैन वन बाय थ्री कब देता है 30 डिग्री पे,
यानी 5/6 पे आपको देता है ये एंगल, ठीक है ना। तो आपको क्या टारगेट है, थीटा तो आ गया 5/6, आपके आपको क्या टारगेट है पाई माइनस, ठीक है ना। तो आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू व्हाट पाई माइनस थीटा, दैट मींस पाई माइनस 5/6 ये हो जाएगा 5 π/6, ठीक है, ये हो गया 5 π/6 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए, कॉटेक्स इज इक्वल टू -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू 5 π/6। अब फाइंड कर लो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो -1√3 को हटाओ, यहाँ लिखो tan 5 π/6, यानी कि tan x इक्वल tan y आप लगाने वाले हो, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं tan x इज इक्वल टू tan 5 π/6, tan 5 π/6। तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा n pi plus 5 π/6 हो गया, n pi plus 5 π/6 वो 5 है, ये 5 है, ठीक है ना, 5 π/6 बढ़िया ना। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, फोर्थ पे कर लेते हैं, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 चल रहा है ये 4 नंबर कर लेते हैं पहले। cos x इज इक्वल टू -2 है ना, इजी है बहुत, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, इट इज द इजीएस्ट पार्ट। cosec x = -2, cosec x को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि बेसिक फंक्शन तो साइन ही है। तो आपको क्या मिल जाएगा, sin x = -1/2। तो साइन माइनस कहाँ होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट या नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा। इसमें ये एंगल होता है 5 + θ। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जनरली लेते हैं नंबर्स एंगल्स। तो अगर हम पॉजिटिव लेके काम करें तो हमारे को थीटा मिल जाएगा पहले, तो पहले थीटा फाइंड कर लो। तो साइन माइनस साइन पॉजिटिव 1/2 आप एज्यूम कर लोगे, पॉजिटिव 1/2, x की वैल्यू आ गई 5/6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। हमारे को चाहिए 5 + θ, तो थीटा तो आपने फाइंड कर लिया 5/6, ये हो जाएगा 7 π/6, ठीक है, ये हो गया 7 π/6। चलो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, अब आप फाइंड करोगे जनरल सॉल्यूशन। तो वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखोगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6। तो एक्स क्या लिखोगे आप, 7 π/6, ठीक है, एन पाई। एक्स क्या लिखोगे आप, एन पाई, एन पाई प्लस माइनस 1 पे एन इंटू 7 π/6, ये लिखोगे आप। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस cos x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इजी है बहुत, सेम एक जैसे हैं। तो यहां पर हमें सॉल्व करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां ध्यान से देखो, cos x इज इक्वल टू cos 2x है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2, इधर भी x इधर भी x, तो यहां cos x इज इक्वल टू cos y नहीं लगा सकते, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाओ क्योंकि दोनों तरफ x है ये। अब यहां फॉर्मूला लगाओगे cos x माइनस cos y, याद है फॉर्मूला, देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है आपके लिए cos x माइनस cos y, यानी कि -2 sin x + y/2 into sin x माइनस y by 2, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कहां गया, यहां लिख लेते हैं, ये cos x माइनस cos y, लिखा लिखेंगे -2 sin x + y/2 x + y/2 इंटू साइन x माइनस y बाई टू दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो हमारे पास अवेलेबल है। माइनस टू तो इधर आके 0 बन जाएगा, चला गया। अब यहां से दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको,
ये क्या हो जाएगा साइन, ये 6x by 2 यानी कि 3x हो जाएगा, साइन 3x is equal to 0, और ये क्या मिलेगा साइन x is equal to 0, ठीक है ना। तो साइन 0 का क्या मतलब है 3x is equal to what n pi, यहां क्या होगा x is equal to n pi, ठीक है। यहां से x आपको मिलेगा n pi by 3 और वहां से आपको मिलेगा x n pi, तो इसके दो सोल्यूशन आए, x की दो वैल्यू आएगी n pi by 3 और n pi। कभी कभी दो आंसर भी आएंगे बच्चों, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो आएगा वही लिखेंगे। दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस फिफ्थ वाला, ठीक है, यानी कि दोनों सोल्यूशन के लिए ये वैलिड है। ये करके देखें सिक्स वाला भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि मुझे चेक करना पड़ता है बार बार कैमरा। यस, सिक्स नंबर कॉस, तीन कॉस फंक्शन है, बीच में एक माइनस है, तो पहले कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगा लें, कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 2 कॉस 3x प्लस 1 इज 4x बाई 2 इंटू कॉस एक्स, एक्स हो गया माइनस कॉस 2x 0 हो गया। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखो जो हमने फॉर्मूला लगाया है जिसको सिंप्लीफाई किया एक स्टेप, इसमें कॉमन कुछ है, देखो यहाँ भी cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है, ठीक है ना, तो कॉमन तो है, तो इसको बाहर ले लें cos 2x, तो आपको क्या मिलेगा, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो आपको क्या मिला 2 cos x माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना, cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos 0 कब होता है, जब आपके पास 2x हो जाए pi by 2, ठीक है, cos 2x कब होता है। तो यहां पर भी हम लोग प्रिंसिपल, सॉरी यहां तो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही चाहिए, तो आप यहां पे लिख सकते हो जनरल के लिए pi by 2 इनटू odd, odd means 2n minus 1, ठीक है, ये 2 यूट करके यहां हो जाएगा pi by 4 इनटू 2n minus 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, माइनस वन को इधर ले जाते हैं, कॉस एक्स 1/2 हो गया, ठीक है ना, तो कॉस एक्स 1/2 यानी कि 1/2 का लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई 360 डिग्री लिख सकते हो, तो ये कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई वाला चीज आपको मिल गया, तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपको इसका जनरल सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इसके भी आपको दो जनरल सोल्यूशन मिल गए, एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिया है, 7, 8, 9 भी फिनिश कर देते हैं जल्दी से, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई दो आंसर भी हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है, दो आंसर हो सकते हैं बच्चों, बस आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है, बेसिक्स का फॉर्मूला स्ट्रांग रखो, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। 7th नंबर, साइन 2x प्लस कॉस एक्स, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, यहां काम आने वाला है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 2x क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये मिल गया मुझे। अब मैं यहां से कॉस एक्स कॉमन ले लूंगा बाहर, ये क्या मिल जाएगा 2 sin x plus 1 is equal to 0, ठीक है, यहां से अब दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, एक से निकल के आएगा cos x is equal to 0 and दूसरा क्या निकल के आएगा 2 sin x plus 1 is equal to 0, cos 0 कब होता है, जब x की वैल्यू हो जाए 2n minus 1 pi by 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ने मुझे ये भी बोला सर 2n minus 1 odd number होता है, 2n plus 1 भी odd number होता है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों,
अगर आप 2n plus 1 लेते हो ऑड नंबर के लिए, तो n वहाँ 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 2n minus 1 लेते हैं, तो n यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये भी ऑड है, वो भी ऑड है, कोई गलत नहीं, दोनों इस ठीक है। आपको जो मर्जी आप लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं कह सकता। 2 sin x, हो सकता है आपके NCERT में 2n plus 1 मिले, ठीक है, वहां पर n 0 से स्टार्ट हो सकता है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो साइन एक्स यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस 1/2 मिल जाएगा साइन एक्स। तो माइनस 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोई साइन का एंगल ही लिखूंगा ना। साइन एक्स माइनस 1/2 हमने यहाँ पे किया था, तो एंगल क्या आ गया था, माइनस में है साइन, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस हाफ की जगह मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 7 पाई बाई 6 हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 1 माइनस एन, दिस इज 7 पाई बाई 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th डन। दो सोल्यूशन आ गया ना, दो सोल्यूशन आ गया, एक ये आ गया, दूसरा वो आ गया, ठीक है बच्चों, दो सोल्यूशन मिल गया आपको, चलो अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, राइट। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x ले सकते हैं हम लोग, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, यहां आप लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। sec और tan का रिलेशन तो हमें मालूम ही है ना, आप लिख लो, नहीं याद है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो sec स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2x, 1 माइनस tan 2x, ठीक है ना। तो ये वन तो गया, इसको आप इधर ला सकते हो, तो आपको मिल गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। sec स्क्वायर की जगह लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस tan 2x को इधर ले आए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, tan 2x को आप कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी, एक तो है tan 2x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो सोल्यूशन। तो tan 2x इज इक्वल टू 0 है, tan 2x इज इक्वल टू 0 है, tan कब कब 0 होता है, n पाई पे होता है। सो आप 2x को ले सकते हो n पाई, सो x हो गया n पाई बाई 2, ये पहला सोल्यूशन आपको मिल गया। दूसरा यहां से मिलने वाला है tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा ना, तो tan 2x क्या मिलेगा, माइनस 1, tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। tan माइनस 1 का मतलब है यानी कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में tan को ले जाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, ये तो लिखना पड़ेगा आपको tan पाई माइनस पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल तो पाई माइनस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ 1 है, 1 का मतलब पाई बाई 4 है, ठीक है ना। इसको आपको समझना है अच्छे से, tan पाई बाई 4 1 होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 4, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan के साथ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए पाई माइनस थीटा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है, ये कितना है 3 पाई बाई 4 है। तो x क्या लिखूंगा मैं, एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, x क्या हो जाएगा एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो यहां भी आपको दो आंसर मिल चुका है, एक तो ये और दूसरा ये, है ना, दो आंसर वाले, कमाल। चलो इसको नोट कर लो, फिर लास्ट करते हैं 9th। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश कर देते हैं फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश कर देते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 9 में तीन टर्म है ना, साइन एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन फाइव एक्स। तो जब भी इससे दो तीन टर्म के चीजें आती जो पहले भी आए थे हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे छोटा वाला एंगल और सबसे बड़ा वाला एंगल को आप एक साथ रखना। क्या बोला मैंने, सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ा एंगल। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एक्स। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, फाइव एक्स। इसको एक साथ रख के अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, मैं कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स, एक साथ ले लो, प्लस साइन थ्री एक्स को थोड़ा सा वेट कराओ कि भाई तुम रुक जाओ, तुम्हारी बारी आएगी, तुम रुक जाओ। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला, याद है साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को तो बार बार देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। इसी फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, फाइव एक्स प्लस है सिक्स एक्स बाई टू यानी कि थ्री एक्स, इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स बाई टू यानी कि टू एक्स। ठीक है, ये तो साइन थ्री एक्स आप कॉमन ले लो बाहर, साइन थ्री एक्स को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो सोल्यूशन बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, दो सोल्यूशन यहाँ से बाहर निकलेंगे। एक तो निकल गया आपको साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे साइन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया थ्री एक्स जो होगा वो एन पाई होगा, यानी कि एक्स हो गया एन पाई बाई थ्री, एक्स क्या हो गया एन पाई बाई थ्री। और यहाँ पर फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, टू कॉस टू एक्स माइनस वन, ये। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू आ गया है, तो आपको कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी कि ये वाला काम आपको करना है, कॉस एक्स माइनस। ये हम इस क्वेश्चन में आ गए दोबारा, जनरल सोल्यूशन चाहिए हमारे को। तो कॉस पॉजिटिव हाफ कब होता है ना, कॉस पॉजिटिव हाफ कब होता है, 60 डिग्री के लिए, यानी कि पाई बाई थ्री के लिए होता है। कॉस नेगेटिव का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री। ठीक है ना, तो माइनस वन बाई टू की जगह आप लिखोगे टू पाई बाई थ्री। ठीक है ना, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो वापस ये चारों में जाओ, ठीक से सॉल्व करो, वापस इस वीडियोस को देखो 1-4 तक, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होगा तभी आगे क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर करके ही आगे आना बेस्ट होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉस ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई वाला चीजें आप लगा रहे हो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, टू एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। सो एक्स क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ठीक, ये आ गया बच्चों। तो दिस इज द सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन ये, तो दो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, दो सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये हमारा खत्म हो चुका है 3.4। हम लोग जेई वाले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बच्चों, लेकिन बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, उसके बाद जेई के वीडियोस भी आपको मिलेंगे सेम टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।